वेलकम टू साथी कुकरी शो। आज मैं बनाने वाली हूँ बढ़िया सा स्नैक्स जो आपने रेस्टोरेंट में तो कई बार खाया होगा और घर में कभी ट्राई नहीं किया होगा। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसके जिसमें जितने भी इंग्रेडिएंट पड़ते हैं सब अपने घर में ही मिल जाते हैं। इसके लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ मैक्सिकन टाकोस में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज। सबसे पहले हम बनाएंगे टाकोस के सेल। टाकोस के सेल में हमको चाहिए 2 कप मैदा, जो 2 कप मक्के का आटा, 1 कप मैदा, सॉल्ट और 3 टीस्पून नॉर्मल फाइन ऑयल। जो हम मक्के का आटा यूज करेंगे वो थोड़ा फाइन मक्के का आटा लेंगे। आप किसी भी क्वालिटी में इस मक्के को आटे को लीजिए। जितना भी आप मक्के का आटा लेंगी उसका हाफ आप मैदा लीजिए और उसी अकॉर्डिंगली आप इसमें रिफाइंड ऑयल लीजिए। इसलिए हमें उसे थोड़ा सा मोन डालने के लिए डायरेक्ट बनाएंगे ताकि थोड़े से क्रिस्पी बने। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ टाकोस की फिलिंग हम किससे बनाएंगे। ओरिजिनल मैक्सिकन टाकोस की फिलिंग ये बहती है राजमा से। ये राजमा मैक्सिको में बहुत खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में और हमारे इंडियन टेस्ट बड को भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैंने लिया है 1 कप बॉइल्ड राजमा और मैंने इसमें लिया है फाइन चॉप, 1 मीडियम साइज का ओनियन है जिसे मैंने फाइन चॉप किया है, 2 टोमेटो हैं जिसे मैंने फाइन चॉप किया है, 1 मीडियम साइज की कैप्सिकम है जिसे मैंने फाइन चॉप किया है। ये मैंने 1/2 कप मक्के के दाने लिए हैं, ये फ्रोजन मक्के के दाने हैं। इसमें गार्लिक, मैक्सिकन खानों में गार्लिक और चिली का अच्छा से इस्तेमाल होता है और जो उसको अच्छा स्पाइसी टेंगी खाना बनता है। इसमें मैंने लगभग 6 क्लोव्स लहसुन के लिए हैं और इसमें हम डालेंगे ऑरेगानो, इसमें ग्रीन चिली डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे और जैलोपिनो भी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे टोमेटो सॉस। आपने अक्सर सालसा का नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छा सिंपल सा बिल्कुल टाकोस को एकदम फ्रेश फीलिंग देने वाला सालसा बनाएंगे इसके साथ में, जिसके लिए हमें चाहिए फाइन चॉप टोमेटो। ये मैंने 2 मीडियम साइज के टोमेटो थे जिनको मैंने डीसीट कर लिया था और डीसीट करने के बाद मैंने इनको फाइन चॉप कर लिया है। ये 1 मीडियम साइज की ओनियन है, फाइन चॉप करने के बाद इसको थोड़ा सा वॉश कर लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये है हमारा 1 छोटा मीडियम साइज का कुकम्बर और इसके साथ हम डालेंगे वेरी मच मैक्सिकन स्टाइल टेस्ट देने के लिए इसको, इसमें हम डालेंगे ये टबेस्को सॉस। बढ़िया एकदम स्पाइसी टैंगी सॉस होता है, मजा आ जाता है इसके सालसा के साथ में खाने के लिए और इसमें ऑलिव ऑयल का स्प्रिंकल करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले टाको सेल। देखिए हमने लोडो को इस तरीके से बांट लिया है लोइयों में, एक जिससे एक छोटी रोटी बनाने भर का होता है उतना हमने बांट लिया है। अब इससे जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही बेलेंगे। हम इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इससे हम पतली पतली रोटी ऐसा बेल लेंगे। धीमे हाथों से बेलिएगा क्योंकि मक्का काफी सॉफ्ट होता है। देखिए एकदम पतला मैंने बेल लिया है। अब इसको हम कांटे से ऐसे छेद कर लेंगे हमें, क्योंकि उसको पूरी को फुलाना नहीं है। और इसको एक साइड से जल्दी से फ्राई करेंगे, हल्का सा पक जाएगी वैसे ही इसे पलट देंगे और मैं इसे अब देने वाली हूँ टाकोस का शेप। इसके लिए मैं अपनी चिमटे का इस्तेमाल करूंगी और इससे मैं ऐसे पकड़ करके इसको टाकोस सर का सेप दूंगी।
इसको थोड़ी देर होल्ड रखूंगी इसी में, तो नीचे का हिस्सा हार्ड हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल स्टेको सेल का शेप का ले लेगा। ये देखिए एकदम बढ़िया से हो गया। अब साइड भी पका लेंगे इसी तरीके से, बहुत बंद नहीं करेंगे। ये लीजिए हमारा टाकोस रेडी है, इसी में सारे टाकोस फ्राई कर लेंगे। देखिए इससे पहले ये डालेंगे फिलिंग, अब इसमें लगाएंगे साल्सा, अब इसमें हम चीज स्प्रिंग्स लगाएंगे। अब आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव कर सकती हैं, या आप इसको बेक भी कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है खाने में,
चलिए हमारे टैकोस रेडी हैं। टैकोस रेडी हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। जितने देखने में टेम्पटिंग है ना, उतने खाने में भी टेस्टी हैं। आप मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपनी रेसिपी ट्राई करने के बाद अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा मुझको। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं दोबारा किसी न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।